वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एलिशू एंड दिस इज़ मी एलिशा। सो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो एंड रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो है फेस केयर से रिलेटेड। सो जो भी प्रोडक्ट है वो इजी अवेलेबल है जो आपकी किचन इंग्रेडिएंट्स हैं एंड उसके साथ साथ जो भी है आप उनको मार्केट में ले सकते हैं, अदरवाइज अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से भी अवेलेबल है। सो उनकी जो लिंक है वो मुझे अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की भी डाल दूँगी सो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं बिकॉज लॉकडाउन है। तो अगर आप बाहर जाके और नहीं लेना चाहें तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। सो देखते हैं वीडियोस को। सो दो तीन जो भी सारी रेमेडी है उनको आप ट्राई कर सकते हैं एंड लास्ट चीज़ के आपको जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर उससे कोई भी रेमेडी होती है सो आपको उसको ट्राई ज़्यादा टाइम करना पड़ता है। एक बार में आपको फ़र्क दिखेगा, उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट जो फ़र्क होगा वो हमेशा के लिए रहेगा। सो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सो फॉर द फर्स्ट रेमेडी हम यहाँ पे कोकम्बर टोनर बना रहे हैं। उसके लिए आपको कोकम्बर चाहिए, उनको आप कट कर लीजिए एंड क्लीन कर लीजिए, देन आप उनको ग्राइंड कर लीजिए एंड ग्राइंड करने के बाद आपको एक कॉटन क्लॉथ में उनको डाल के अच्छे से उनका जो भी जूस है पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड उस जूस में हमको 2 से 3 टेबलस्पून डालना है एलोवेरा जूस। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जूस नहीं है तो आप मार्केट में एलोवेरा जेल जो मिलते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मैं लेमन ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको मत यूज़ करें एंड आप चाहें तो इसके साथ साथ कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, फेशियल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं एंड विटामिन ई के कैप्सूल भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। देन आपको इसको मिक्स करके स्टोर कर लेना है एक स्प्रे बोतल में एंड इसको आप लगाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मार्केट से आपको कुछ भी ज़्यादा पैसे नहीं देना एंड आपको इतना ज़्यादा अच्छा टोनर मिल रहा है। सो आप इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा ठंडा लगाएं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। मैंने इसको ट्राई किया है खुद, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बट अच्छा है। देन फॉर सेकेंड रेमेडी के लिए मैं आपको अब 2 फेस पैक बता रही हूँ। सो फर्स्ट आपको ग्रेम फ्लोर डालना है एंड बीट रूट जूस डालना है एंड उसके बाद आपको 1 टेबलस्पून ऑफ कर्ड डालना है एंड इसको मिक्स कर लेना है। ग्रेम फ्लोर इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाएगा एंड उसके साथ साथ इसकी जो कंसिस्टेंसी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देगा। बीट रूट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन को ग्लोई एंड पिंकी बनाने में एंड कर्ड साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी कर देगा हमारी स्किन को एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कर्ड हमारी स्किन के लिए एंड इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। देन आप इसको अप्लाई कर लें अच्छे से अपने फेस पे, हैंड पे, कहाँ जहाँ भी आप करना चाहें एंड आपको इसको 10 से 15 मिनट रखना है एंड अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे तो ज़्यादा अच्छा होगा एंड आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बता चुकी हूँ। सो अगर आपके पास कम टाइम है वो बात अलग है बट अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई भी DIY रेमेडीज़ करते हैं तो आप उसको अच्छा खासा टाइम दें। नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं बिकॉज ये सब, तो आपको इसको 10-15 मिनट रखना है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको पिंकी ग्लो मिलेगा इससे। देन ये पिंकी ग्लो के लिए है एंड अगर आपको फेयरनेस चाहिए तो उसके लिए थर्ड रेमेडी उसको इसके लिए आपको 1 टेबलस्पून ऑफ बेसन चाहिए, ग्रैम फ्लोर, देन आपको ऑरेंज पील पाउडर चाहिए। ऑरेंज पील पाउडर आप अपने घर में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है एंड उसके बाद आपको टर्मरिक चाहिए 1/2 टेबल स्पून आपको चाहिए हनी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टर्मरिक फेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। देन कर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए, लैक्टिक एसिड होता है उसमें एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी जो स्किन को ग्लोई के साथ साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी बनाता है। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फेस पैक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, मैं बहुत ज़्यादा इसको ट्राई करती हूँ, ज़्यादातर मैं इसी को ही लगाती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। देन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे लगी रेमेडी काफ़ी ज़्यादा इजी थी एंड आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट जो आपके घर में भी हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप ले सकते हैं इजीली, डेफिनेटली अगर आप इसको हफ्ते में 1-2 बार ट्राई करेंगे सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़र्क होगा एंड उसके साथ साथ अगर आप वीक में 3 बार करेंगे सो ज़्यादा अच्छा होगा। सो आपको ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ेगा, सो अगर आप सिर्फ 1 वीक भी कर लेंगे एंड उसके बाद आपको अच्छा खासा फ़र्क दिखेगा तो आप उसके बाद कर सकते हैं। अच्छा खासा अगर फ़र्क दिखे तो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।